एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर गेम. तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला. यू हैड योर चांस एंड इट्स ओवर नाउ. हेलो एवरीबॉडी, मैं करण और आप देख रहे हैं कैमरा वॉइस. यहाँ पे हम थोड़ा पसीनों में डूबे हुए हैं, बहुत मेहनत करके आए, हमने मजदूरी करी है, अभी बच्चे को सुलाया है अपने छोटे से, और यहाँ पे हम आपके सामने लेकर आए हैं एक वीडियो एनालिसिस की वीडियो. देखते हैं उसके अंदर हम क्या कह डा सकते हैं. दिन एडिट के थ्रू ये वीडियो बनाई गई है, बहुत अच्छी वीडियो है. सो इसको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ. इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं. क्या क्या एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो इस वीडियो को जो डायमेंशन है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किस डायमेंशन में वीडियो रिकॉर्ड की गई है. रिकॉर्ड मतलब कि एडिट की गई है. सो इसका जो डायमेंशन है वो ये है, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाओ, सोर्स सेटिंग प्रॉपर्टीज, सीधा प्रॉपर्टी में जाके 1350x1080 मोस्ट प्रोबेबली यही होता है. सो 720x900 सो यही रेशियो है 1350x1080 का. 1080x1920 है, मतलब कि 1920x1080, ठीक है. सो इसी हिसाब से ये है 1350x1080. सो ये इसका रेशियो है, परफेक्ट रेशियो यही रहता है FB के अंदर, और एक स्क्वायर रेशियो चलता है. अब इसके अंदर सबसे पहले क्या यूज़ हुआ है ये देखते हैं. साउंड एडिट बहुत अच्छी है. एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर गेम. तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला. मूवी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी मूवी है, बहुत मोटिवेटिंग मूवी है. एक्चुअली लड़की यहाँ पे विलन लग रही है बट वो सही थी. साउंड देख रहे हो, साउंड सबसे पहले साउंड समझना. जो पायल, जिसको हम पायल कहते हैं, हाँ पायल, छन छन की जो आवाज है उस बीट पे जो ट्रांजिशन दिए बहुत अच्छे लग रहे हैं. और एक रिपल एडिट दिया है. रिपल मतलब कि पानी वाला एडिट होता है, रिपल एडिट. क्या इसके अंदर हुआ है, वापस जाते हैं शुरुआत पे. ये आपने चीज समझ ली बीट पे कैसे एडिट हुआ है, और इसके आगे देखना. एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर गेम. फ्लिकर इफेक्ट देखो, यहाँ पे फ्लिकर दिख रहा है आपको. तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं हो. जो ये डैमेज है, ये डैमेज होता है आपका वीडियो डैमेज या फिर इमेज डैमेज का एक इफेक्ट है. प्लगइन है इसका एक सेफियर प्लगइन, उसको यूज़ हुआ है यहाँ पे. या फिर आपको ग्रीन स्क्रीन का ओवरले मिल जाएगा, बट बेटर यही रहता है कि आप डायरेक्टली प्लगइन यूज़ करो. पेड प्लगइन है और यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है. होने वाला. अब देखा क्या हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांजिशन. ये अंदर को गया, थोड़ा सा वेव वॉप अंदर की साइड वॉप हुआ, फिर उसके साथ ही यहाँ पे शेक हुआ है, मतलब स्क्रीन को बहुत तेज़ी से शेक करा है. देखना अब जतिन एडिट को देखो, यहाँ पे जतिन एडिट, ये देखो ये जतिन एडिट, पहले ये चीज़ एडिट करी, फिर उसके आगे ये चीज़ एडिट करी. देख रहे हो जतिन एडिट से आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे क्लिप को अलग अलग क्लिप को एडिट किया गया है, एक ही क्लिप को एडिट नहीं किया गया. कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई होगी, फिर उसने एडजस्ट करा होगा उस फेस को. ट्रांजिशन दिया, इसके अंदर ट्विच इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं. बहुत प्यारा सा इसके अंदर यूज़ हुआ है शेक शेक इफेक्ट और जूम आउट का इफेक्ट. इसको मास्क कराए ग्रीन स्क्रीन, इसको मास्क करा भाई. वेव इफेक्ट है ये, वेव प्रीमियर प्रो के अंदर अवेलेबल है, ये सर्च कर सकते हो. वेव मास्क करा है और पीछे एक
इंक का ट्रांजिशन दिया है, ग्रीन स्क्रीन इसका अवेलेबल है यूट्यूब में, ग्रीन स्क्रीन ट्रांजिशन इस टाइप से कुछ, और आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको यूज़ करा है, प्रीमियर प्रो के अंदर यूज़ करा है, दोनों के अंदर सेम ही चीज़ है, लूमा मैट या फिर ट्रैक मैट ये यूज़ किया गया इसके अंदर। और फिर उसके बाद ये वाप है, एक वाप डिस्प्लेसमेंट वाप कह सकते हैं इसको। फिर से वही बाउंस करते हुए अंदर की साइड, ये बाउंस करने वाला इफेक्ट बहुत अच्छा है, इसको बनाएंगे। देखो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसके साथ। और फिर उसके बाद एकदम से शेक किया है, ट्विच शेक स्लो मोशन, ट्विक्स्टर का तुम्हारा भाई ने बना रखा है, जाके देख सकते हो। फिर से वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट वॉप, डिस्प्लेसमेंट वॉप के साथ थोड़ा सा एक प्यारा सा ट्रांजिशन जैसा ओपेसिटी के साथ इसको बाहर लाया गया है। देखना कितने फ्रेम का है, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ, 5 फ्रेम होगा एक बार में, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच, 5 फ्रेम यानी कि 25 फ्रेम के अंदर वापस आ रहा है। जूम इन जूम आउट के ट्रांजिशन बहुत अच्छे हैं इसमें, देखना जूम करते हुए इसको जूम आउट कर दिया। फिर से वही चीज साउंड, वही चीज पीछे दिल, दिल का आपको स्टॉक इमेज या स्टॉक वीडियो मिल जाएगा, दिल बना भी सकते हो पार्टिकल इफेक्ट के थ्रू। फिर वही चीज इफेक्ट रिपीट, जतिन एडिट, जतिन एडिट को जो जिस स्टाइल में लेकर आया जतिन एडिट को, वो बहुत अच्छा लगा। देखो इसके ऊपर रेनवुड स्टाइल का एक इफेक्ट दे रखा है, सेफियर प्लगइन शायद इसके अंदर यूज़ हुआ है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ ना ही एग्जैक्ट बना सकता हूँ, ये तो जतिन एडिट ही बता सकता है हमें। किसी दिन हम उसे बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि तूने जतिन एडिट कैसे बनाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके बताना। मेरा कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसकी बैटरी ख़राब हो गई है, दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग द कैमरा, दैट्स वाई आई एम यूजिंग माई वेब कैम जो मैं अभी लेकर आया हूँ। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।